हाँ, अब आगे कोई कार्रवाई ना हो ये एश्योरेंस यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा सरकारी तालाब पर बने अधिवक्ता के घर को बुलडोजर से जमींदोज करने का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से नाखुश अधिवक्ताओं ने आज शहर के मुख्य चौराहे लालबाग पर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चलें, दिनांक 5/7/2024 को मोहल्ला तरीनपुर निवासी अधिवक्ता सदाशिव त्रिवेदी के निर्माणाधीन मकान को जिला प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। इसी क्रम में आज अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्यवाही के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित अधिवक्ता ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि मेरे मकान के सभी कागजात लीगल होने के बावजूद मेरे घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। सर्वप्रथम तो अपने अध्यक्ष और महामंत्री अपने अधिवक्ता बंधुओं को साधुवाद देंगे कि उन्होंने हमारा इसी विषम परिस्थिति में परेशानी में हमारा साथ दिया, हमारी बात को जो है सार्वजनिक रखा। हमें पीड़ा इस बात की है कि हमें आज तक किसी अधिकारी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, हमको कहीं तलब नहीं किया गया, हमको कोई नोटिस सूचना नहीं दी गई, ना हमको जब से हमने ज़मीन खरीदी है आज तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना हमारी किसी से कोई रंजिश है। हम समझ नहीं पाए कि हमारे संग ऐसा क्यों किया गया। हमने जो है प्रॉपर जो है प्लाट खरीदा, बैनामे के पहले हमने रजिस्ट्री दफ्तर से नोडू सर्टिफिकेट बनवाया, हमारे पास निकल है, उन्हें हम लिख कर दिया कि हाँ ये बिल्कुल ज़मीन फ्री है, आप बैनामा करा सकते हो। अतिक्रमण के उसके बाद हमने बैनामा कराया, बैनामा कराने के बाद हमने प्लाट का दाखिल खारिज नगर पालिका में कराया, उसके बाद नक्शा पास कराया, नक्शा पास कराने के बाद ही हमने जो है मकान को बनवाया। अतिक्रमण के तब तक किसी प्रकार कोई दिक्कत, अतिक्रमण की कितनी देर पहले आपको सूचना मिलती है कि आपका घर उसी जद में है? मेरे भाई हमें हम कल तक हमें जानकारी नहीं थी, तो हम कोर्ट आए प्रॉपर रोज की तरीके से। हम डीजे साहब के यहाँ अपनी गाड़ी रिलीज में खड़े थे, 12:30 लगभग हमको घर से हमारे बड़े बेटे ने फ़ोन किया, कहने लगा पापा मकान टूट रहा है। हम चक गए, हमारा कोई क्यों तोड़ेगा, हमारे हमसे क्या मतलब। जितनी हमारी क्षमता थी हमने पूरी छानबीन करी, खरीदने के पहले पूरी जांच कर ली। हम इतने लायक नहीं थे कि 10-20 लाख लेकर के वो माफिया हों कब्जा करके गिरवा डालें। सब जाँच कराने के बाद मैंने बैनामा कराया। प्रशासन के द्वारा क्या बताया गया आपकी? प्रशासन द्वारा भी ये हमको कल मीडिया से पता चला है, जो मोबाइल पर किसी अधिकारी ने कहा कि हमारा मकान तालाब में बना है और अतिक्रमण में तोड़ डाला गया। तो हमारा ये कहना है कि अवैध बना नहीं था हमारा, अवैध तरीके से तोड़ डाला गया मकान। हमको कोई सूचना नहीं दी, कोई इतला नहीं दी, हमको सामान निकालने तक की मोहलत नहीं दी गई और हमारे गिड़गिड़ाते रहे पूरा दिन, हमारा किसी अधिकारी ने नहीं सुना। और हमें यह भी कहा कि सरकार हमको 15 मिनट टाइम दो, हम डीएम साहब से अपनी बात कर लें, अपनी सफाई दे दें, कागज़ दाखिल कर दें। कुछ नहीं किया गया। हमको एक आतंकवादी तरीके से ऐसा तोड़ा गया जैसे लगता हो कि उन्होंने बिल्कुल श्योर रिपोर्टें ले लिया, जांच करा लिया, सर्वे करा लिया कि वो तालाब ही है। साथ ही अधिवक्ता का कहना है कि घर को सरकारी तालाब पर बना होना बताया गया है, लेकिन इससे संबंधित सभी कागज मेरे पास मौजूद हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्यवाही के बाद आक्रोशित अधिवक्ताओं ने क्या बताया। प्रशासन को जो मांग पत्र सौंपा गया है बार एसोसिएशन सीतापुर की ओर से, उसमें प्रमुख रूप से 5 मांगे हैं। एक तो है कि बैनामा दाखिल खारिज और नक्शा स्वीकृत करने वाले जो कर्मचारीगण शामिल है अगर गलत है तो उन सब की भूमिका की जांच सुनिश्चित कराई जाए। दूसरी, हमारे साथी अधिवक्ता का जो आर्थिक क्षति हुई है स्पष्टीकरण की कार्रवाई में उसको दिलाया जाए। तीसरी,
ये जो प्रधानमंत्री आवास कैसे बन गया अगर वहाँ पे गलत था, इन्हीं राजस्व कर्मचारियों की तो रिपोर्ट लगती है, उसकी जांच हो, वो भी दोषी है, अगर गलत है वो वहाँ तालाब है तो वो सब दोषी हैं, सबकी जांच होनी चाहिए, यही हम सबकी मांग है। और इसके अतिरिक्त एक मांग और है कि इस शहर में अभी तहसील में जल भरा हुआ, उतनी जब पानी बरसा, कलेक्टर प्रांगण में जल भरा हुआ, ये तालाब में मकान का इस शहर में जल भराव से कोई संबंध नहीं था, लेकिन तहसील प्रशासन ने जल्दबाजी में जिलाधिकारी महोदय को भी गुमराह करते हुए, जैसा मुझे लग रहा है अभी तक प्रथम दृष्टया, ये कार्रवाई की गई है जो पूर्णतः विधि विरुद्ध है और गलत है। पूरा अधिवक्ता समाज इस कार्रवाई से आक्रोशित है और प्रशासन की इस बदले की भावना की कार्रवाई से हतप्रभ भी है कि ये क्यों किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स।